अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्रेड आमलेट बनाने की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान रेसिपी है, बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है, बच्चों के साथ बड़ों को भी पसंद आती है क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे लिए हमने तीन अंडे को बाउल में तोड़ लेंगे। वन फोर टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे, थोड़ा सा काली मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी शामिल कर देंगे। अच्छे से फेंट लेंगे। एक टमाटर महीन चॉप किया हुआ शामिल कर देंगे। 3 चम्मच बारीक कटी हुई प्याज शामिल कर देंगे। बारीक कटी हुई हरी धनिया के पत्ते भी शामिल करेंगे। बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्चें शामिल करेंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शामिल करेंगे 2 चम्मच दूध, मिक्स कर लेंगे। गैस पे रख दिया हमने एक पैन। पैन में डाल देंगे देसी घी। थोड़ा सा आमलेट इसमें डाल देंगे और बीच में रख देंगे ब्रेड। ब्रेड में लगाएंगे हरी चटनी। आमलेट को ब्रेड के ऊपर फोल्ड कर देंगे। चारों तरफ से फोल्ड करने के बाद आमलेट को पलट देंगे। हल्का सा सेक कर आमलेट को निकाल लेंगे। देखिए बहुत ही बढ़िया आमलेट ब्रेड बनकर हमारा तैयार हो गया है। दूसरे आमलेट ब्रेड में हम टमाटर केचप लगा लेंगे ब्रेड में। आमलेट को ब्रेड में फोल्ड कर लेंगे। ब्रेड को दूसरे साइड से भी सेक लेंगे। तीसरी ब्रेड को देखिए हमने ग्रीन चटनी भी लगा दिया आधे में लगा दिया टमाटर केचप। इसका भी सेम प्रोसेस रहेगा। ब्रेड आमलेट को हम ट्रायंगल शेप में काट लेंगे। इसी तरह हम बाकी के ब्रेड आमलेट को भी काट लेंगे। तो लीजिए तैयार है हमारा ब्रेड आमलेट, जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाली रेसिपी है। इसे आप नाश्ते में दें, बच्चे बड़े खुश होकर खा लेते हैं और ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। इसका टेस्ट माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है, तो अपने घर में इसे ज़रूर बनाएं और ये टिफ़िन बॉक्स के लिए भी बहुत ही अच्छी रेसिपी है।
उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताया करें मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।